हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं टेक केयर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं काइन मास्टर को कैसे यूज़ करते हैं। वैसे तो सभी को काइन मास्टर यूज़ करना आता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कुछ अलग से आपको सिखाऊंगा। उसके अंदर आपको ट्रांजेक्शन, एनिमेशन और जो फिल्टर्स होते हैं दोस्तों, उसके बारे में आपको सिखाऊंगा। आप कैसे उसे डाउनलोड कर सकते हैं और आपको कैसे आप वीडियो को अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में जुड़े रहना। अगर किसी को वीडियो पसंद आ जाता है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना और प्यारा सा एक कमेंट कर देना। तो चलिए आपको ले चलता हूं मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर, वहां सिखाऊंगा कि आपको काइन मास्टर कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। उसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें तीन यहां पर हमें साइज देखने को मिल जाते हैं। पहला तो है 16.9, ये हमें यूट्यूब वीडियोस के लिए काम आएगा। और जो दूसरा है 9.16, ये हमें टिकटॉक और व्हाट्सएप स्टेटस के लिए काम आएगा। और जो 1.1 है, ये भी हमें टिकटॉक और व्हाट्सएप स्टेटस के लिए काम आएगा। तो हमें यूट्यूब वीडियोस को एडिट करने के लिए 16 लेना होता है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। लेने के बाद अब यहाँ हमें एक वीडियो यहाँ पर लाना होता है, तो सिंपली यहाँ से मीडिया पर जाइए। मीडिया पर जाने के बाद यहाँ से मैं एक वीडियो ले लेता हूँ जिसे मैं एडिट करना चाहता हूँ। ये तो वीडियो आ गया है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जहाँ से मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ वहाँ से एक कट लगा लेता हूँ। तो यहाँ से मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इस पर वीडियो पर क्लिक करता हूँ और कैंसिल वाले ऑप्शन पर जाता हूँ और यहाँ पर स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद तो ये दो पार्ट हो गए। ये फर्स्ट पार्ट है ये तो बेकार का है, तो मैं क्या करता हूँ इसे डिलीट कर लेता हूँ। सेम हमें यहाँ पर लास्ट पर भी हमें सेम ऐसे ही करना है। जहाँ पर मैं बोलना ख़त्म कर रहा हूँ वहाँ पर भी हमें कुछ इस तरह का मार्क लगाना है। तो यहाँ पर बोलना ख़त्म कर दिया है मैंने, तो वीडियो पर क्लिक करता हूँ, कैंची पर जाता हूँ और स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद जो ये लास्ट वाला वीडियो, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। तो हम हमारा टोटल वीडियो यहाँ पर रेडी हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इंट्रो लगाना चाहता हूँ, तो मैं मीडिया पर जाता हूँ। मीडिया पर जाने के बाद वीडियोस पर जाता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं एक इंट्रो ले लेता हूँ। तो यहाँ पर तो इंट्रो आ गया है। अगर आपको इंट्रो बनाना नहीं आता है तो मेरे इस चैनल पर वीडियो है इंट्रो कैसे बनाते हैं। मैं आई बटन पर इसकी वीडियो डाल दूँगा, आप वहाँ जाके इसे देख लेना। तो इंट्रो तो आ गया है। अब जो इंट्रो और वीडियो के बीच में जो ये वाला हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन, ये क्या, ये ट्रांजैक्शन इफ़ेक्ट वाला हमें फीचर दिया गया है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन मिल जाते हैं। ऑलरेडी मैंने 3-4 डाउनलोड करके रखा है, आपको एक एक से दिखा देता हूँ। ये जो 3D कैब है मैं इसे आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है। और ये रोटेट शिफ्ट है, ये हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। और यहाँ पर टिंकल भी है, ये हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारे, अगर आप और डाउनलोड करना चाहते हैं तो गेट मोर पर क्लिक करना है। गेट मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ बहुत सारे हमें ट्रांजैक्शन देखने को मिल जाते हैं। इसमें से कुछ ट्रांजैक्शन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है और कुछ ट्रांजैक्शन है, तो आपको सिखाने के लिए आपको एक बार दिखाता हूँ कि किस तरह डाउनलोड करते हैं। तो मैं ये वाले ट्रांजैक्शन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें देखिए ये 163 KB का, यहाँ से हमें सिंपली यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड असिस्टेड तो इंस्टॉलेड हो गया है दोस्तों। ये कुछ यहाँ पर हमें प्ले करके भी हम देख सकते हैं। शायद यहाँ पर इंटरनेट बहुत ही स्लो है, इसलिए यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पर देखिए, तो जो हमने अभी डाउनलोड किया था नियोन हेलो, तो यहाँ पर वो आ गया है। तो मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ, ब्लू पर क्लिक करने के बाद ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। और ये यहाँ पर मैं सेकंड वाले ट्रांजेक्शन पर क्लिक करता हूँ, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। और ये पिंक वाले पर क्लिक करता हूँ तो पिंक वाला कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। यहाँ में और भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो गेट मोर पर क्लिक करना है। वेरी सिंपल, यहाँ से हमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन देखने को मिल जाते हैं, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली मैं कट कर लेता हूँ। कट कर लेने के बाद यहाँ से ये पिंक वाला ट्रांजैक्शन मैं यहाँ से ले लेता हूँ और यहाँ पर राइट पर क्लिक कर लेता हूँ। ट्रांजैक्शन तो आ गया है दोस्तों। अब हमारा वीडियो बहुत ही
कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर वीडियो को और भी अच्छा बनाने के लिए मैं जो सिनेमेटिक वीडियो में हमें दिखाई देता है ऊपर ब्लैक पट्टी आती है और नीचे ब्लैक पट्टी दिखाई देती है, दोस्तों जो प्रोफेशनल हमें सिनेमेटिक वीडियो दिखाई देता है कुछ इस तरह का भी हम यहाँ पर अपने वीडियो को दे सकते हैं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वीडियो पर क्लिक करता हूँ और लेयर पर जाता हूँ, लेयर पर जाने के बाद मीडिया पर जाता हूँ, मीडिया पर जाने के बाद बैकग्राउंड ले लेता हूँ जो कि हमें ब्लैक लेना है बैकग्राउंड। फिर यहाँ से यहाँ पर जाता हूँ, मैं यहाँ पर जाने के बाद ये वाला ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर राइट पर क्लिक कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर ब्लॉक पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसे कुछ इस तरह ऊपर कर लेता हूँ। करने के बाद अब हमें ये जो तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट ले लेना है। तो ये जो हम बैकग्राउंड लिए थे ब्लैक, उसका डुप्लीकेट यहाँ पर आ गया है। अब हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पर जाना है, अब हमें ये वाले ऑप्शन पर ले लेना है, उसके बाद राइट पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इस पर टच करना है, उसके बाद इसे भी कुछ इस तरह हमें तो कुछ इस तरह से हमें नीचे लेकर आना है, जो हमें ऊपर रखे थे हम सेम वही साइज़ हमें यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ राइट पर, तो यहाँ देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस जो हम ये जो लिए थे हम ब्लॉक, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसे मैं जितना मेरा वीडियो है वहाँ तक मैं इसे खींचता हूँ, तो ले जाना है वहाँ तक, फिर सेम में वही हमें इसे भी वहाँ तक लास्ट तक ले जाना है जहाँ तक हमारा वीडियो है। उसके बाद आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरह हमारा वीडियो दिखाई देता है। तो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। सो अब हमें फिर भी यहाँ पर हमें थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें जो ब्लैक पट्टी लगाए थे हम, यहाँ हमें शो नहीं कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे पकड़ कर यहाँ से कुछ इस तरह खींचता हूँ और इसे भी यहाँ से कुछ इस तरह से ले लेता हूँ। ले लेने के बाद थोड़ा यहाँ से इसे ले लेता हूँ, इसे भी यहाँ से ले लेता हूँ। एक बार फिर से मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा यहाँ हमें सिनेमेटिक वीडियो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह का। आपको भी एडिट करना है अपने वीडियोस को, अगर आपके वीडियो में ब्राइटनेस नहीं है यानी कि आपका फेस एकदम डार्क है, आप उसे ब्राइटनेस करना चाहते हैं तो वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कलर एडजस्टमेंट पर चले जाना है, फिर यहाँ से आप कुछ इस तरह का आप अपने वीडियो को और भी अच्छा बना सकते हैं कुछ इस तरह का। तो यहाँ से मैं कुछ इस तरह से ले लेता हूँ और आप इस पर प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हमें यहाँ पर ब्राइटनेस, जो बैकग्राउंड जो वाइट था और भी वाइट हो गया और जो मेरा फेस था वो एकदम ब्राइटनेस हो गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा यहाँ पर वीडियो रेडी हो गया है। कुछ इस तरह का भी आप अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं। और भी अगर मैं बताना चाहूँ तो वीडियो बहुत ही लंबी हो सकती है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ये वीडियो बनाकर आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह हमें वीडियो एडिट करना है और ट्रांजैक्शन किस तरह से लगाना है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना।